के वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे और ये हैं भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। कौन सी राष्ट्रपति बनी है? 15वीं। और इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक व संवैधानिक प्रमुख जो है वो कहे जाते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रमुख कहे जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपको 35 साल का होना पड़ेगा और अगर आप एक बार भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो 5 साल तक के लिए आप भारत के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है। अगर वेतन यानी तनख्वाह की बात करूं भारत के राष्ट्रपति की तो 5 लाख रुपए जो है भारत के राष्ट्रपति को तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है। त्याग पत्र जो है भारत के राष्ट्रपति वो भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं और संविधान के अनुच्छेद 52 के अंदर जो है भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। अगर शपथ की बात करें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे।